हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा 12वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो 2020 जुलाई में होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके द्वारा हमारी वीडियो पर किए गए कमेंट, लाइक और शेयर हमें अन्य वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो लाइक, कमेंट और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी वह कौन सा कारक होता है जो प्रारंभिक व्यक्तिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिव्यक्ति। दूसरा ऑप्शन है घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव। दूसरा तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, संवेगात्मक सुरक्षा की बालक में आंशिक योग्यता। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपके जो घर का वातावरण तथा माता पिता से जो बालक का लगाव होता है वह बालक के या बालक के प्रारंभिक जो व्यक्तिगत अवस्था व्यक्तिगत विकास जो होता है उसमें वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जो बालक जो परिवार परिवार के अंतर्गत आपके दादा दादी भाई बहन जो भी होते हैं तो उनके साथ वह मिलजुल कर रहता है या उनमें घुलता मिलता है। तो एक बालक में यहीं से आपके जो नैतिकता शिष्टाचार और ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें विकसित हो जाती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों की रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? यानी आजकल जो परीक्षाएं हम देते हैं उनमें ऐसे प्रश्न नहीं दिए जाते जिससे कि जो बच्चों में रटने की प्रवृत्ति बढ़े, जबकि ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिससे कि रटना न पड़े, उन्हें सीधा समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो अब आप इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको बताना है कि किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। पहला ऑप्शन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा आपका निबंधात्मक प्रश्न और फोर्थ है वैकल्पिक प्रश्न। तो जो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चे की योग्यता को लिखित प्रश्नों द्वारा जांचा या मापा जाता है तो वह प्रश्न आपके रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा ऑप्शन है ध्यान देने और दूसरे से अंतर करने की योग्यता, थर्ड है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल करने सकने की योग्यता, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने के शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसमें आपके सामने पूछा गया था कि भाषिक बुद्धि, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की भाषिक बुद्धि है तो वो वह व्यक्ति क्या दर्शाएगा। तो उसके जो शब्दों का अर्थ क्रम और भाषा के जो यानी विविध प्रयोग करने में सफल हुआ या उसमें उसके प्रति संवेदनशीलता होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर होगा। मॉन्टेसरी प्रणाली का विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? यानी आपकी एक मॉन्टेसरी प्रणाली है जिसका जो प्रतिपादन किया था वह आपकी इटली की एक शिक्षाविद थी मारिया मॉन्टेसरी, उनके द्वारा किया गया था। तो इसमें आपको बताना है कि यह प्रणाली जो आई थी वह किसके विकास के लिए आई थी, यानी किस प्रकार के बालकों के लिए आई थी। पहला ऑप्शन है आपके सामने मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए, दूसरा है तीव्र बुद्धि बालकों के लिए, थर्ड है औसत बुद्धि बालकों के लिए, और फोर्थ है आपके सामने सृजनशील बुद्धि बालकों के लिए। तो यह जो आई थी मॉन्टेसरी प्रणाली यह आपके मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए आई थी, जिससे कि जो इस प्रकार के जो अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं इनको मुख्य धारा में वापस लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फ्रेंड्स व्याख्यान तकनीकी के विषय में शिक्षाविदों का विचार है कि इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है, यह अधिगम में वृद्धि हेतु सहायक आवश्यक साधन है, तीसरा है इसका अप्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है, और फोर्थ है इसका प्रयोग एकांकी रूप में उत्तम है। तो जो व्याख्यान विधि या तकनीक होती है
उसमें आपका एक व्याख्यानकर्ता सभी को व्याख्यान देता है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट्स बच्चों को लग रहे होते हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं। तो आधुनिक जो शिक्षा में इसका जो उपयोग है वह न्यूनतम है, क्योंकि इस समय जो कोई व्याख्यानकर्ता जो व्याख्यान दे रहा होता है तो जो छात्र या शिक्षार्थी उस समय उपस्थित होते हैं वह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भी संलग्न हो जाते हैं या उनका मन वहां पर नहीं होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा कि इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है आपके सामने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा है अनुभवजन्य का सिद्धांत, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने अनुकरण का सिद्धांत। तो जो आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है वह सीखने के लिए कार्य को दोहराना आवश्यक होता है, इस बात पर वह जोर देता है। जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था वह आपके एल्बर्ट एल थार्नडाइक द्वारा दिया गया था, और इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। आपके एल्बर्ट थार्नडाइक द्वारा एक बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, एक बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया था और पिंजरे के बाहर उसके कुछ मछली के टुकड़े बाहर रख दिए गए थे, और मछली ने उस उन टुकड़ों को प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयास किया, वह असफल रही। लेकिन एक अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, लीवर द्वारा खुलता था जो पिंजरा था, तो उसके बाद लीवर पर पैर पड़ता है तो एक बार खोल लेती है, धीरे धीरे और अभ्यास करती है तो उसको बस सिर्फ एक बार में ही खोलने का अनुभव हो जाता है। तो यह आपका है कि जो अगर किसी चीज को बार बार दोहरा जाएगा तो उससे आपके जो सीखना है वह अधिक प्रबल होता है। तो यह सिद्धांत जो आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से क्या एक संवेग नहीं है? यानी आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा संवेग नहीं है बताना है। यहां पर बताते चलें कि जो आपके मैकडूगल हैं उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने पलायन, दूसरा है क्रोध, तीसरा है भय, और फोर्थ है आपका भूख। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संवेग नहीं है। तो जो आपका पलायन है वह किसी प्रकार का संवेग नहीं होता, बाकी आपके क्रोध, भूख और भय ये आपके, और इसमें आपकी कामुकता भी आती है, एकाकीपन भी आता है, करुणा भी आती है, और जो घृणा होती है वह भी आती है, ये सब आपके संवेग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है, निम्न में से किसका कथन है? यानी यह किसके द्वारा कहा गया है कि जो समस्या समाधान का जो प्रतिमान होता है वह तार्किक चिंतन में निहित होता है? तो पहला ऑप्शन है स्टेनले, दूसरा है स्किनर, तीसरा है जीन प्याजे, फोर्थ है आपका क्रू एंड क्रो। इसमें पहला ऑप्शन स्टेनले ग्रे पूरा नाम है इनका, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपके सामने अलग शिक्षा अलग अलग शिक्षार्थियों में तुलना करना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी उपाधि देना, तीसरा ऑप्शन है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का उपयोग करना या प्रयोग करना। तो इसमें आपको बताना था कि अनुकरण को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए इनमें से किसके प्रति में सचेत होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही उत्तर होगा कि शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उससे संबंधित विभिन्न तरकीबों या तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं? पहला ऑप्शन है आपके सामने बाल्यावस्था के, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था के, पूर्णावस्था के, या फोर्थ ऑप्शन है आपके वृद्धावस्था के। यानी प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र यानी दिखाई देने लग जाते हैं? तो वह आपकी होती है बाल्यावस्था, पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? पहला ऑप्शन है रुचि के आधार पर सोचना, दूसरा है अनुभव के आधार पर सोचना, तीसरा है तर्क के आधार पर सोचना, और फोर्थ है अनुकरण के आधार पर सोचना। तो जो बच्चे की सोचने की प्रक्रिया होती है वो से हम तर्क के आधार पर जो सोचता है बच्चा उसे हम उच्च उच्च प्रकार का मानते हैं, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की मानसिक प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है।
पहला ऑप्शन है आपके सामने साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, निरीक्षण एवं बाह्य दर्शन विधि, और फोर्थ है आपकी ये सभी। तो अगर किसी बालक की मानसिक प्रक्रिया एवं व्यवहार का अध्ययन करना है तो आपके ये सभी, यानी आपके साक्षात्कार विधि हो, या जैसे हम व्यक्तिगत अध्ययन विधि के स्टडी के नाम से भी जानते हैं, या इतिहास विधि के नाम से भी जानते हैं, निरीक्षण या बाह्य दर्शन विधि, ये सभी आपके जो हम अगर एक बालक के मानसिक प्रक्रिया एवं संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करना है तो ये सभी आपके लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है, यानी प्रगतिशील शिक्षा में आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं तो उनमें से किस बात का ध्यान रखा जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। तीसरा है इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें केवल बालक की नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो जो प्रगतिशील शिक्षा होती है इसमें आपके शिक्षण विधि जो होती है उसको अधिक से अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, जिससे कि बच्चा अधिक व्यवहार में लाकर सीख सके। 13 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपने अपने अनुभवों के आधार पर पाया है कि बहुआयामी छात्र निपुण होते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है केवल खेलकूद में, दूसरा है केवल शैक्षिक कार्यों में, तीसरा है आपका कई प्रकार के कौशलों में, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सभी उद्दंड कार्यों में। तो जो आपके शिक्षण कार्य करते हुए कि आपने अनुभव पाया कि जो आपके बहुआयामी जो वाले छात्र जो होते हैं वो आपके कई प्रकार के जो कौशल होते हैं उनमें, विभिन्न प्रकार के कौशल जो होते हैं वे उनमें निपुण होते हैं, तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, निम्न में से किसका कथन है, यानी किसके द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वह दुनिया के बारे में अपनी अपनी सोच का विकास करते हैं। तो पहला है प्याजे, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने सियर्स, तीसरा है फ्रॉयड, और फोर्थ है रॉबर्ट। तो आपके जीन प्याजे द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वह दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन या खुद उसका निर्माण करते हैं। 15 का पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 16, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है, बच्चों के सामाजिकरण में, दूसरा ऑप्शन है भूगोल के सिद्धांतों हेतु, तीसरा है आर्थिक सिद्धांतों हेतु, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो निचली कक्षाओं में जो शिक्षण खेल पद्धति जो होती है वह बच्चों के सामाजिकरण हेतु उपयुक्त या आवश्यक होती है, पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है, निरंतरता के सिद्धांत से, वैयक्तिक अंतर के सिद्धांत से, नेक्स्ट है विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि जो आपका विकास कभी नहीं रुकने वाली जो प्रक्रिया होती है वह आपकी विकास का जो क्रम की एक रूपता का सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है, पहला है सक्रियात्मक अधिगम, नेक्स्ट है सूझ का सिद्धांत, फोर्थ थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, फोर्थ है अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसमें जो आपका समस्या को अचानक मैं उसके समाधान करना है तो वह कौन सा सिद्धांत है जो इस प्रक्रिया पर बल देता है, तो आपका सूझ का सिद्धांत जो कॉलबर्ग द्वारा दिया गया, जिसमें आपके सुल्तान नाम के एक चिंपेंजी पर प्रयोग किया गया था कोलबर्ग द्वारा, वह जो सिद्धांत है उससे संबंधित है। तो जो समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत जो है वह आपका सूझ का सिद्धांत है, ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति की छात्राओं के समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधी समस्याएं हैं, माता पिता की आर्थिक समस्याएं, छात्रों की सामाजिक अभिवृद्धि, उच्च जाति के शिक्षकों एवं छात्रों के प्रति उदासीन व्यवहार, फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। यानी जो अनुसूचित जाति की जो छात्र छात्राएं होती हैं, स्पेशली छात्राएं जो होती हैं, उनको निम्न शिक्षण के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तो आपके सामने आपने भी देखा होगा कि जो उनके जो परिवार का आर्थिक स्तर होता है और या चाहे सामाजिक स्तर हो वो आपका ठीक नहीं होता, तो ये सभी आपकी समस्याएं जो होती हैं बच्चों के सामने आती हैं, तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, आप अपनी कक्षा के बच्चों के भावों और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम साधन होगा, पहला ऑप्शन है बच्चों के शारीरिक विकास की तुलना करना, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना, तीसरा ऑप्शन है अपने विषय में बच्चों की ज्ञानात्मक जांच करना, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के अभिभावकों की शैक्षिक योग्यता की जांच करना।
तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आप अपनी कक्षा के बच्चों में भाव और विचारों का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसमें सर्वाधिक उपयुक्त जो साधन हुआ वह कौन सा हुआ। अगर हमें उनके विचारों और विचारों का मूल्यांकन करना है तो हम सबसे पहले उनके भाषा विकास से संबंधित जो जानकारी है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा कि बच्चों के भाषा विकास की जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा साधन होगा कि उनके भावों और विचारों का मूल्यांकन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन से जो कुछ बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह आपका कथन किसके द्वारा कहा गया है। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्किनर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जीन प्याजे, तीसरा है हर्बर्ट या फोर्थ ऑप्शन है आपका फ्रीमैन। तो आपके सामने कहा है कि जो मनुष्य को जो कुछ भी बनता है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह किस कथन द्वारा या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया है। तो यह आपके एक मनोवैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट द्वारा कहा गया है। उनके द्वारा कहा गया कि जो वातावरण जो होता है या परिवार, यह सभी एक जो आपका मनुष्य होता है उस पर प्रभाव डालता है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा उत्तर सही होगा, हर्बर्ट। नेक्स्ट है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार शिशु अपनी मानसिक अनुभूतियों को किस प्रकार से प्रदर्शित नहीं कर पाता या नहीं करता है। तो आपको ऑप्शन ध्यान से देखने, इसमें नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने सक्रियता द्वारा, तीसरा है दृश्य प्रतिभा द्वारा, तीसरा है भाषा द्वारा और फोर्थ है आपका संकेतों द्वारा। तो इसमें आपको यह भी ध्यान रखने की वाली बात है कि शिशु है और वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को किस प्रकार प्रदर्शित नहीं कर पाता है, क्योंकि उस समय तक उसमें अपनी भाषाई ज्ञान का अभाव होता है। तो उसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा कि वह अपनी अनुभूतियों को भाषा के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर पाता, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 से डैश ग्रस्त बालक पढ़ने की अक्षमता प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने अफेजिया, दूसरा है डिसलेक्सिया, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने अप्रेक्सिया और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने डिस्प्रेक्सिया। यानी जिस अगर कोई बच्चे जैसे कि ये जो आपका ऑप्शन दूसरा इसमें सही होता है डिसलेक्सिया, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा डी होता है तो उसको बी पढ़ता है, या फिर जो डी लिखा होता है उसको बी पढ़ता है, यानी दो शब्दों के बीच में वह अंतर नहीं कर पाता, तो ये आपकी होती है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, समावेशी कक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन पहला है आपके सामने कि प्रतिभाशाली और सृजनशील शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, दूसरा है प्रतिभाशाली और सामान्य शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा, तीसरा है सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की संयुक्त कक्षा और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों की कक्षा। तो आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन सही होगा कि इसके अंतर्गत जो समावेशी कक्षा जो होती है उसमें आपके प्रतिभाशाली, पिछड़ी बालक, मंद बुद्धि बालक, यानी सभी प्रकार की और कोई विशेष जो अक्षम बच्चे भी होते हैं वे सभी प्रकार के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, यानी सामान्य बालक और अधिगम अक्षम बालक सभी शिक्षार्थियों की जो संयुक्त कक्षा जो होती है वो आपकी समावेशी कक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। आपको इसमें से हमें बताना है कि क्रियात्मक परीक्षण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है घन रचना परीक्षण, तीसरा है आपका जलोटा सामान्य मानसिक परीक्षण और फोर्थ है आपका स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही उत्तर है, जिसे हम ब्लॉक डिजाइन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था आपका सैमुअल सी कॉम थे, यानी क्रियात्मक इसमें पूछा गया था क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, तो यह घन रचना परीक्षण, इसे हम ब्लॉक डिजाइन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और इस सिद्धांत का जो यह बुद्धि परीक्षण दिया गया था वो आपका सैमुअल सी कॉस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्याजे के अनुसार किस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक व्यवहार विकसित हो जाते हैं, यानी वह कौन सी अवस्था होती है जिसके अंतर्गत बालकों में प्रतीकात्मक व्यवहार विचार विकसित हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से हम जिसे जानते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक के प्रतीकात्मक विचार विकसित होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बालक केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। पहला,
शिक्षक को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना, दूसरा है शिक्षार्थी को आधार बिंदु मानकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था करना, नेक्स्ट है अभिभावकों को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना, और फोर्थ है आपका विद्यालय के आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना। तो जो आपकी बाल केंद्र शिक्षा होती है, बाल केंद्र शिक्षा में बालक को हम केंद्र बिंदु मानकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा कि शिक्षार्थी को आधार बिंदु मानकर शिक्षा की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 28, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? पहला, शिक्षक सरल हो जाता है। दूसरा, शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ाना है उसका ज्ञान हो जाता है। तीसरा है आपका शिक्षण रोचक हो जाता है, और फोर्थ है शिक्षक को विद्यालय में क्या करना चाहिए उसका ज्ञान हो जाता है। तो आपका ऑप्शन दूसरा इसमें सही उत्तर होगा कि शिक्षक को कक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ाना है वह हमें पहले से ज्ञात होता है, यानी उसका हमें ज्ञान हो जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं, यानी वे कौन से बालक होते हैं, यानी उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है, जो आपके टर्मन के अनुसार बताना है इसमें। 80 से कम बुद्धि वाले, 90 से कम बुद्धि वाले, या फिर आपके 50 से कम बुद्धि वाले, या 70 से कम बुद्धि वाले। तो टर्मन ने जो बताया कि मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे जो होते हैं वह आपके 70 से कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, और अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अंतिम क्वेश्चन है, बोलने के दोष से संबंधित नहीं है आवाज की समस्या, हकलाना व तुतलाना, और तीसरा ऑप्शन है अशुद्धोच्चारण, फोर्थ है तेज बोलने वाले। तो इसमें आपको बताना था कि बोलने के दोष से संबंधित नहीं है, कि तेज बोलना या तेज बोलना या कम बोलना यह आपका दोष से संबंधित नहीं होता। आवाज की समस्या आपकी दोष से संबंध बोलने की समस्या होती है, हकलाना तुतलाना और अशुद्ध उच्चारण। तो यह थे आपके लिए 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज के अंतर्गत और अन्य 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।